हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें लेबोरेटरी मटेरियल इम्पोर्टेंस, प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी मटेरियल्स, कॉमन एक्सीडेंट्स एंड देयर प्रिवेंशन इन साइंस लेबोरेटरीज। फ्रेंड्स, इससे पहले हम टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के यूनिट वन का फर्स्ट टॉपिक टेक्स्ट बुक्स मीनिंग, टाइप्स, इंपॉर्टेंस, यूजेस एंड इवेल्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो पे आपने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, उसी की बदौलत है कि मैं आज इतनी जल्दी आपके लिए दोबारा वीडियो ला पाई हूँ, तो उस रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लेबोरेटरी मटेरियल। अब देखिए, लेबोरेटरी जब हम साइंस की बात करते हैं ना, तो लेबोरेटरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखनी होगी कि लेबोरेटरी क्या है। लेबोरेटरी इज अ रूम और बिल्डिंग दैट इज यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंट्स एंड फॉर टीचिंग ऑफ साइंस। कि ऐसा रूम या ऐसी बिल्डिंग जिसको हम कहें कि साइंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज करते हैं, जहां पे जो अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जो आर्टिकल्स यूज होते हैं, उन्हें हम लेबोरेटरी मटेरियल कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है लेबोरेटरी की, ये जानना बहुत जरूरी है। परमानेंट इंप्रेशन होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, हम काम खुद कर रहे हैं, तो जो काम हम खुद करते हैं तो वो परमानेंटली हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हमें इस तरीके से करना है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हम वहां पे। नेक्स्ट चीज आती है कि साइंटिफिक स्किल्स आती है, लॉजिक होता है, रीजनिंग, साइंटिफिक रीजनिंग लगाते हैं हम किसी भी चीज को, किसी भी तथ्य को ऐसे ही नहीं मानते, उसके पीछे रीजन लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब हम उस पर यकीन करते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड आता है, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, न्यू आइडियाज, एक इंथुजियाज्म रहता है, एनर्जी रहती है नई नई चीजें सीखने की, अच्छी हैबिट्स बनती हैं, लर्निंग बाय डूइंग की एक तरीके से प्रोसेस है ये, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कुछ करके फिर कुछ सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ हमने रट्टा मार के सीख लिया, कुछ किया हमने, लर्निंग बाय डूइंग हुई है। साइंटिफिक मेथड्स की ट्रेनिंग है, क्योंकि एक परफेक्शन आती है जब हम लैब में काम करते हैं। कल को अगर हम में से कोई साइंटिस्ट बनता है या कुछ बनता है, तो वहां पे अगर हमें लैब में काम करना ही नहीं आता है, तो वहां पे भी कोई काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे तो और भी खतरनाक केमिकल्स वगैरह से डील करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग मिलती है एक तरीके से, एडजस्टमेंट होती है मॉडर्न लाइफ में। नेक्स्ट चीज जो आती है कि मेंटेनेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि हम देखते हैं कि लैब में कभी कभी हमें बहुत अच्छा लगता है कि कुछ कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं जब, हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी को भी किसी में भी ऐड कर सकते हैं, जब प्रॉपर टीचर की इंस्ट्रक्शंस पे कुछ ऐड करते हैं तो कभी कभी बड़े ब्राइट कलर्स निकल के आते हैं या कुछ मैजिकल हो जाता है कभी कभार। तो एक तरीके से क्यूरियोसिटी बनी रहती है बच्चे की चीजों को सीखने की। सेंस ऑफ कॉपरेशन आती है और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन आता है, क्योंकि जब ग्रुप में एक साथ काम करते हैं तो कॉपरेटिव बनते हैं, दूसरों के विचार सुनते भी हैं और अपने विचार उनके सामने रखते भी हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्लानिंग ऑफ साइंस लेबोरेटरी की, कि किस तरीके से प्लानिंग की जाती है जब भी हम साइंस लेबोरेटरी बनाने के बारे में सोचते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1964 में कुछ फैक्टर्स सजेस्ट किए थे कि एक टाइम पे कितने स्टूडेंट वर्क करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्किंग एट अ टाइम, कितनी स्पेस होनी चाहिए ताकि बच्चे क्या है कंफर्टेबली काम कर सके। अब ऐसा नहीं है कि लेबोरेटरी को बहुत ज्यादा खुला बना दिया जाए कि गार्डन जैसे ही लगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कंजस्टेड कि ऐसा लगे कि रेलवे स्टेशन पे ही चल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो। कितने साइंस टीचर्स होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि लैब में भी आप देखते हो तो एक लैब अटेंडेंट जरूर होते हैं और एक हमारे टीचर्स जरूर होते हैं हमें गाइड करने के लिए। और ऐसे लैब्स बनाई जाए जो कि मिडिल क्लास एज वेल एज हायर क्लास दोनों के लिए यूजफुल हो। अब ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग बनाए जाए, कुछ ऐसी तरीके से उसे प्लानिंग की जाए उसकी। फिर उसके बाद जी सेवेज ने भी कुछ सजेशंस दिए थे 1964 में। उन्होंने क्या कहा था, लीनियर बेंच स्पेस हो, कि 1 to 3 मीटर की स्पेस हो बेंचेस के बीच में, कि ज्यादा कंजस्टेड ना हो। सर्कुलेशन स्पेस हो, कि वॉल्स वगैरह के साइड पे क्या है सर्कुलेशन स्पेस होगी, तो 1.7 मीटर स्पेस होनी चाहिए बिटवीन एंड्स ऑफ बेंचेस एंड वॉल्स, जिससे क्या है कि फर्नीचर वगैरह रखने में हेल्पफुल हो। स्टोरेज ऑफ अपरेटस के लिए कपबोर्ड शेल्फ वगैरह होने चाहिए ताकि चीजों को अच्छे तरीके से स्टोर करके रखा जा सके। जिन चीजों को हिलाया नहीं जा सकता उनकी जगह से नॉन मूवेबल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनके लिए परमानेंट जगह होनी चाहिए, लाइक जैसे कि होते हैं हमारे वाटर बाथ होता है, ओवन होता है, जिन्हें हम बार बार इधर उधर नहीं शिफ्ट कर सकते, तो उनके लिए परमानेंट स्पेस होनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन बेंच होने चाहिए टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, ताकि अच्छे से काम कर सकें। वर्टिकली फिक्स अपरेटस के लिए वॉल स्पेस होनी चाहिए ताकि चीजों को अच्छे से एडजस्ट किया जा सके।
अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स जो दिमाग में रखने चाहिए जब भी हम साइंस लेबोरेटरी प्लान कर रहे हैं। हालांकि अगर हम चाहें तो इन सारे पॉइंट्स को जो जी सेवेज के सजेशंस हैं या फिर इन सबका एक कंबाइन यू नो बना सकते हैं कि एक कंबाइंड पैराग्राफ बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि बीएड में जितना आप ज़्यादा पॉइंट्स बनाते हैं ना तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव लगता है आंसर। तो इसलिए आप इसके अलग से पॉइंट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि स्पेशियस होना चाहिए कि फ्रीडम हो मूवमेंट की, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना हो, खुली जगह हो जहाँ पे आप, मतलब ज़्यादा खुली भी नहीं कि नॉर्मल जगह हो जहाँ पे आप इजिली काम कर सकें। फिक्स्ड बेंचेस नहीं होनी चाहिए ताकि ज़्यादा स्पेस हो। आपने देखा होगा कि लैब्स वगैरह में हमेशा स्टूल्स वगैरह होते हैं ताकि जब ज़रूरत है तभी उन्हें रखा जाता है, अदरवाइज साइड हटा दिया जाता है, एक साइड को लगा दिया जाता है। शुड बी लोकेटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए तो ताकि क्या होगा, क्योंकि लैब में क्या मूवमेंट होती रहेगी, बच्चे इधर उधर जाएंगे, केमिकल्स लेना या कुछ करना है तो बाकी की क्लास को डिस्टर्बेंस हो सकती है, या फिर जहाँ वहाँ पे तो थोड़ी बहुत बात भी होगी ना, टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे या फिर बच्चे कुछ आपस में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए बाकियों को डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए कोशिश यही की जाती है कि हमेशा जो है ग्राउंड फ्लोर पे बनाई जाए। इस तरीके से बनाई जाए कि नेचुरल लाइट आती रहे, वहां पे ग्लास पैंस वगैरह हो ताकि अच्छे से लाइट आती रहे। डेमोन्स्ट्रेशन टेबल जो है प्रॉपर डिस्टेंसेस पे होने चाहिए, प्रॉपर फर्नीचर होना चाहिए, जनरली चेयर्स को अवॉइड किया जाता है, जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई। स्ट्रांगली बिल्ड फ्लोर हो ताकि अगर एसिड वगैरह गिर जाए कभी उन पे तो वो खराब ना हो, ऐसे खराब ना हो जाए या किसी को नुकसान ना पहुंचे कुछ। प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्लम्बिंग हो अच्छे से, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो ताकि, स्टोरेज रूम हो, कपबोर्ड जो, ताकि जो चीज़ों को अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो यहाँ तक तो थी कि प्लानिंग की किस तरीके से प्लान किया जाता है। अब बात आएगी कि डिजाइनिंग ऑफ लेबोरेटरी, आप चाहें तो इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो डिजाइन जब लेबोरेटरी का बनाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर व्हाइट हाउस ने फर्स्ट टाइम पे एक बात कही थी कि लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी बनाई जाए, जो कि थी स्पेस को भी इकोनोमाइज कर रही थी और कन्वीनियंट भी थी टीचर के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे इसके लिए कि क्या डायमेंशंस हो इनकी। उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि एक ऐसा रूम कंस्ट्रक्ट किया जाए जो 13.5 मीटर और 7.5 मीटर डायमेंशंस का हो, यानी लेंथ 13.5 मीटर एंड ब्रेथ 7.5 मीटर, तो इस डायमेंशन का हो। फिर उसको दो इक्वल कंपार्टमेंट्स में क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। एक कंपार्टमेंट को क्या है, लेक्चर रूम बना दिया जाए और दूसरे को लेबोरेटरी पर्पस के लिए रखा जाए। सीटिंग अरेंजमेंट हो वहाँ पे लेक्चर रूम में 40 to 50 स्टूडेंट्स का और जो लैब है वहाँ पे 20 to 25 स्टूडेंट एक बार में काम कर पाए। फिर बात करी उन्होंने वॉल्स एंड फ्लोर्स की कि कैसी वॉल्स होनी चाहिए, कैसी फ्लोर्स होनी चाहिए। तो क्वाइट टफ एंड ड्यूरेबल, टफ होनी चाहिए, जैसे पहले भी बात हुई कि ऐसा ना हो कि केमिकल गिरे और वो खराब हो जाए। एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर की थिकनेस होनी चाहिए ताकि वॉल जो हो ड्यूरेबल हो। प्लास्टर्ड होनी चाहिए गुड क्वालिटी सीमेंट के साथ, पेंटेड होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर हाइट तक। फ्लोर जो होनी चाहिए थोड़ी स्लैंटिंग होनी चाहिए एक साइड को ताकि जहाँ से पानी बाहर निकल सके, जैसे अगर कभी लैब को वॉश किया जाता तो ऐसा नहीं कि सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम ले, ताकि सारा पानी भी बाहर निकल सके और अच्छे से उसे वॉश भी किया जा सके टाइम टू टाइम। सीमेंटेड और टाइल्ड फ्लोर होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि पानी का फ्लो अच्छे से हो सके, ऐसा नहीं है कि सिंक वगैरह का पानी बाहर ही गिर रहा है, तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बात करी कि डोर्स एंड विंडोज कैसी होनी चाहिए, तो ये मेन बात कही गई थी उसमें कि रूम जो है नॉर्थ की तरफ फेस करता होना चाहिए, ताकि आपने देखा होगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि सनलाइट पड़े उन पे, तो ताकि प्रॉपर सनलाइट और फ्रेश एयर आ सके इसलिए नॉर्थ की तरफ फेस होना चाहिए रूम का। प्रॉपरली ग्लेज डोर्स एंड विंडोज होनी चाहिए और जो विंडोज वगैरह है ना वो बाहर को खुलनी चाहिए, ताकि आपने देखा होगा कि विंडोज के साथ भी एक शेल्फ जैसी बनी होती है, तो अगर कुछ वहां पे रखना है तो वो उसके लिए भी यूज किए जा सके। ग्लास पैंस होने चाहिए विंडोज में ताकि सनलाइट आ सके और कर्टन्स भी फिक्स होने चाहिए, ताकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डार्क रूम में करना होता है, तो इस तरीके से कर्टन्स वगैरह का भी अरेंजमेंट हो ताकि अगर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा करना है कि जिसपे सनलाइट ना पड़े तो हम कर्टन्स लगा के वो एक्सपेरिमेंट कर सकें। नेक्स्ट बात आती है इसमें सिटिंग अरेंजमेंट एंड फर्नीचर की, कैसा सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और कैसा फर्नीचर। तो लेक्चर रूम में क्या है, सबसे पहले तो क्या है, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए 3 into 1.15 मीटर का, जो टीचर का टेबल है वो उससे 1 मीटर की दूरी पे होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर हाई होना चाहिए और ऐसा हो कि अगर उन्हें एक्सपेरिमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करनी है तो वो भी वो कर पाए। रूम में क्या है, 40 स्टूडेंट्स के लिए सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, 20 डेस्क होने चाहिए जिसमें क्या है कि हर डेस्क पे एक बच्चा बैठ सके। हर डेस्क जो है 60 सेंटीमीटर हाई होना चाहिए और 105 into 45 सेंटीमीटर होना चाहिए लेंथ एंड ब्रेथ उसकी, और नीचे क्या है कि बुक्स वगैरह रखने के लिए उन पे शेल्फ्स होनी चाहिए।
हालांकि अब मुझे पता है कि इन नंबर्स को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन ये कि थोड़ा रफ आइडिया तो लगा ही सकते हैं ना कि एस्टिमेशन की, हाँ इतना लिया था तो उस हिसाब से कर लीजिए। नेक्स्ट बात आती है लेबोरेटरी रूम की। अब लेबोरेटरी रूम कैसा होना चाहिए? ब्लैक बोर्ड जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3 x 1.25 मीटर का, 5 टेबल्स होने चाहिए जो जिनकी लेंथ 180 सेंटीमीटर, ब्रेथ 105 एंड हाइट 90 सेंटीमीटर हो। एक छोटा टेबल होना चाहिए जिसे टीचर्स यूज कर सकें, और उसकी जो सरफेस है उस पे क्या एल्यूमिनियम की शीट लगी होनी चाहिए या फिर लेड शीट हो लगी होनी चाहिए, ताकि वो क्या किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट ना करे उससे, और अगर कभी खराब हो जाता है या पुराना हो जाता है तो उस शीट को ऊपर से बदला भी जा सके। शेल्फ होनी चाहिए ताकि बुक्स वगैरह रखी जा सके। वाटर, इलेक्ट्रिकल और एलपीजी कनेक्शन होना चाहिए हर टेबल पे, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चों को अगर पानी भी लेना है तो दूसरे के टेबल पे जाना पड़ रहा हो, तो उससे काफी हॉचपॉच क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। अलमीरा एंड कबर्ड्स होने चाहिए ताकि जो भी मटेरियल्स है, जो भी एसिड बेसिस, जो कुछ भी है, उन्हें अच्छे से स्टॉक करके रखा जा सके। तो अब ये तो हमने बात करी कि डिजाइन कैसा होना चाहिए, लेकिन जब भी आप एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको डिजाइन बनाना भी पड़ता है। तो जो अभी आप देख रहे हैं वो लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी का डिजाइन है, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि एक मतलब पूरे उसको क्या है, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक साइड क्या है जहाँ पे चेयर्स एंड टेबल्स लगे हैं वो क्या है कि लेक्चर रूम है, और जो दूसरी साइड है वो क्या है, लेबोरेटरी रूम है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि यहाँ पे मैंने किस चीज़ को किससे दर्शाया है। तो जहाँ पे भी आपको दो डी नजर आ रहे होंगे ब्लू स्केच से, तो वो है डोर्स के लिए कि क्या डोर दोनों दो क्या है डोर्स लगी हुई है। और वहाँ पे आपको क्या है ए नजर आ रहे होंगे, चारों कोनों पे ए ए नजर आ रहा होगा, वो मैंने यूज किया है अलमीरा के लिए। जहाँ पे डी भी लिखा है वहाँ पे ड्रॉइंग बोर्ड्स हैं। क्या ना कि पेपर छोटा होने की वजह से थोड़ा कंजस्टेड बनाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं पूरा नहीं लिख पाई, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने किस चीज़ को कैसे दर्शाया है। तो ए अलमीरा के लिए लिखा गया है, और आपको नजर आ रहा होगा कि एस एस लिखा हुआ है कहीं कहीं पे, तो वो सिंक के लिए है। और दोनों साइड क्या है ब्लैक बोर्ड्स लगे हुए हैं, एक टीचर टेबल है, और बाकी क्या है 5 स्टूडेंट लेबोरेटरी टेबल है। जब हम लेबोरेटरी की साइड देखते हैं 5 स्टूडेंट लेबोरेटरी टेबल है, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेशन टेबल भी कहते हैं, जो साइड में बैलेंसेज लगे हुए हैं कि वो वेइंग मशीन वगैरह वहां पे रखी जाती है। लेक्चर रूम में 20 टेबल्स हैं और 40 चेयर्स हैं। जहां पे W लिखा गया है वहां पे विंडोज को दर्शाया गया है। तो इस हिसाब से आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। हालांकि एक डिजाइन, इतना ही डिजाइन बनाना सफिशियंट होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लाइक फुली इंप्रेस करना हो एग्जामिनर को, या फिर बहुत ही टाइम हो, तो आप फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री लैब का अलग से डिजाइन भी बना सकते हैं। हालांकि टाइम तभी होता है जब आपको एक आधा क्वेश्चन आता ना हो, अदरवाइज तो बीएड में इतने लेंथी आंसर्स होते हैं कि वैसे ही कंप्लीट नहीं हो पाता पेपर, तो एक्स्ट्रा तो कोई क्या ही करे। बट फिर भी खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़े तो एक बार आप इसे भी देख लें अगर आपको बनाना हो। तो स्क्रीन पे जो अब आपको नजर आ रहा है वो है फिजिक्स लेबोरेटरी का प्लान है 24 स्टूडेंट्स के ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे जो आपको एस नजर आ रहा है वो स्टूल्स के लिए है, पी प्लग्स लगे हैं, क्योंकि जब आप फिजिक्स लैब की बात करते हैं तो प्लग्स वगैरह काफी जरूरी हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई के प्लग्स लगे हैं। जो टी आर यूज किया गया है वो टीचर्स चेयर्स या स्टूल के लिए यूज किया गया है। साइड में सिंक है, विंडो है, ब्लैक बोर्ड है, स्टोर रूम है, डार्क रूम है, टीचर्स रूम है, डोर्स लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें बैलेंसेज वगैरह के लिए भी पूरा है मतलब। तो है तो इजी डिजाइन ही, अगर आपके पास टाइम बचता है तो जरूर बनाएं, अदरवाइज उतना ही इनफ हो जाएगा। उसी तरीके से आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी के लिए भी अलग से प्लान बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, केमिस्ट्री लैब की जब भी बात करते हैं तो सिंक बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी कभी आप टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल डाल रहे हैं फिर निकाल रहे हैं, तो इसलिए। तो उसमें क्या है कि ब्लैक बोर्ड होगा पहले, फिर टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन टेबल होगा जहां पे सिंक बना होगा, विंडोज होंगी, डोर्स होंगे, बैलेंसेस के लिए जगह होगी, स्टोर होगा, सॉल्ट एंड केमिकल टेबल्स होंगे, बच्चों के लिए स्टूल होंगे, और हर टेबल पे सिंक होगा। तो इस तरीके से जहां जहां पे एस लिखा है वहां पे स्टूडेंट स्टूल्स हैं, और टी आर जहां पे टीचर्स सीट है। तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री का भी अलग से डिजाइन बना सकते हैं, केमिस्ट्री लेबोरेटरी का। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी मटेरियल, किस तरीके से मेंटेन किया जाए। देखिए अब लैब में अगर सामान आ रहा है ना, तो वो बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ भी सस्ता सामान है तो कोई भी यहीं कहीं पड़ा रहे तो कोई नहीं ध्यान देगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ केमिकल्स तो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, एक एक बॉटल 2-2,000, 3-3,000, इससे भी ज्यादा होती है। हालांकि ये उतना महंगा मैंने नहीं बताया, बट बहुत महंगे होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इनको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा जाए।
तो क्या होता है कि जितना भी सामान लेबोरेटरी में आता है उसका प्रॉपर अकाउंट रखा जाता है, उसके लिए रजिस्टर्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम रजिस्टर की बात करेंगे वो होगा स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर में तीन तरीके से होते हैं रजिस्टर। एक तो सबसे पहले होता है रजिस्टर फॉर ब्रेकेबल्स, जो चीजें टूट सकती हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब, जो भी ग्लास का सामान होता है वो सारी टूट सकती हैं, तो उनका रिकॉर्ड इनमें रखा जाता है। या फिर कभी कौन सी चीज टूटी है, किस टाइम पर टूटी है, वो भी लिखा जाता है। आपने देखा होगा लैब में, अगर आपने कभी काम किया है तो कभी कभार अगर आपसे कुछ टेस्ट ट्यूब टूट जाती थी या कुछ, तो लैब अटेंडेंट आपका नाम मेंशन करके उस डेट को लिखते थे कि हाँ इस डेट को इस बच्चे से ये चीज टूट गई थी। या कभी कभी फाइन भी लिया जाता है या कभी नहीं भी लिया जाता है, तो वो चीज लेकिन प्रॉपर एंट्री की जाती है कि इतना सामान पहले था फिर इस बच्चे से ये चीज टूट गई, तो वो प्रॉपर लिखा जाता है उसमें। अगला रजिस्टर होता है रजिस्टर फॉर नॉन ब्रेकेबल्स, जो चीजें टूट नहीं सकती हैं, जैसे कि स्टैंड्स वगैरह, वो तो कैसे ही टूटेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें, तो इसमें भी क्या है, नंबर इनका एंटर किया जाता है कि हाँ इतने स्टैंड्स थे हमारे पास, ये इनकी कॉस्ट है। नेक्स्ट रजिस्टर होता है रजिस्टर फॉर कंज्यूमेबल्स, जो चीजें कंज्यूम की जाती हैं, आई मीन यूज की जाती हैं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, जैसे कि एसिड्स, बेसिस, डिस्टिल्ड वाटर अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा डिस्टिल्ड वाटर के कैंस होते हैं, तो कितना, जब भी लैब अटेंडेंट आपको एक्सपेरिमेंट के लिए कोई चीजें निकाल के देते हैं केमिकल, तो वो नोट डाउन करते हैं कि हाँ आज मैंने इतना ML बच्चों को दिया है, तो वो सारे का रजिस्टर होता है कि उस सारे का रिकॉर्ड रखा जाता है उसपे। नेक्स्ट रजिस्टर होता है परचेज रजिस्टर, जिसमें क्या है कि कौन सी चीजें परचेज की गई है, कितनी परचेज की है, ये सारा रिकॉर्ड आता है। नेम ऑफ द फर्म, कि कहाँ से ली गई है, कितनी डेट को वो चीज आई है, स्कूल कॉलेजेस जहां पे भी आई है, क्या रेट है हर आइटम का, कितनी आर्टिकल्स लिए गए हैं, टोटल कॉस्ट कितनी हुई, कितनी उनको टोटल पेमेंट की गई है। नेक्स्ट रजिस्टर आता है नेसेसिटी इंडिकेटर रजिस्टर। नाउ एज द नेम से नेसेसिटी, की जिन चीजों की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि केमिकल अगर एक खत्म हो गया तो आप एक ही लेने चले जाएंगे या फिर दो ही लेने चले जाएंगे, तो वो काफी टाइम के बाद सामान आता है, तो टीचर को प्रॉपर रजिस्टर बना के रखना होता है कि किन चीजों का स्टॉक खत्म हो चुका है और किन का मुझे ऑर्डर देना है। तो उस वो सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं कि कौन सी चीजें खत्म हो गई हैं और उनको मंगवाना जरूरी है, फिर भले वो केमिकल हो, कोई आर्टिकल हो, कोई अपरेटस हो, कोई भी चीज हो सकती है। तो ये तो थे कुछ रजिस्टर्स के बारे में। बाकी मेंटेनेंस में कुछ और पॉइंट्स भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि बहुत जरूरी है कि रजिस्टर्स को अपडेट रखा जाए, जो पॉइजनस और कोरोसिव मटेरियल्स है उन्हें लॉक में रखा जाए, ऐसा ना हो कि हर किसी की रीच में ना हो, सारे केमिकल्स पर लेबल लगे हों ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, कभी प्रॉपरली लिखा हो उनपे कि हाँ ये कौन सा केमिकल है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जो डिकम्पोज हो जाते हैं लाइट से, जैसे कि AgNO3 वगैरह, उन्हें क्या है कलर्ड बॉटल्स में रखा जाए, केमिकल्स को वेस्ट ना किया जाए, और उन्हें क्या है कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली सिंक में ना डाला जाए, उन्हें डाइल्यूट करके डाला जाए, ताकि मतलब ये पानी के नुकसान ना पहुंचाए किसी को भी, अगर आगे कहीं पे भी जाता है ये पानी। जब भी हम कोई टेस्ट ट्यूब लेते हैं या कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह लेते हैं, तो उन्हें अच्छे से वॉश करके रखा जाए, जो हेवी आइटम्स हैं उनको लो शेल्फ में रखा जाए, ताकि अगर बच्चे कभी उठाते हैं तो ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर ही सारी चीज वो गिरा ले। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप लैब में काम कर रहे हैं तो इन छोटी चीजों का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुछ थे मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी मटीरियल के लिए पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉमन एक्सीडेंट्स एंड देयर प्रिवेंशन इन साइंस लेबोरेटरी। अब देखिए साइंस लेबोरेटरी क्या है कि एक मैजिकल प्लेस तो है ही, बड़ी मजेदार प्लेस है जहाँ पे खतरों से खेला जाता है, और अगर अच्छे से खेलेंगे तो मजा आएगा, लेकिन अगर मस्ती मजाक करेंगे तो सजा तो मिलेगी ही। मतलब बहुत ही खतरा होता है यहाँ पे, कि अगर आपने थोड़ी सी भी, मतलब कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, वो हो जाता है कि थोड़ा सा भी केमिकल गिर गया तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, या कोई भी चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है वहां पे अगर आप उसे अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं। तो पहले तो यही बात है कि बहुत ध्यान से काम किया जाए, लेकिन फिर भी अगर इन केस कभी कुछ गलती हो जाती है तो जो लैब है ना, वहीं पे उसके जो नुकसान वो कर रही है आपको, वहीं पे कभी ना कभी उनका इलाज भी छिपा होता है, तो वो क्या हम कर सकते हैं, तो वही सारी चीजें अब हम इसमें जानेंगे। तो इन केस ऑफ बर्न्स, की अगर गलती से आपके ऊपर एसिड गिर गया हो या बेस गिर गया हो या कोई चीज गिर गई हो, तो क्या करना चाहिए। तो अगर आपके ऊपर एसिड गिर जाता है तो सबसे पहले तो क्या है, उसे जहां पे गिरा है वो आपके हाथ के ऊपर, या तो वहां पे बहुत ज्यादा पानी से उसे पहले धुला जाए, फिर उसके बाद क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन या अमोनिया लिक्विड लगाया जाए, तो उसे, उस बंदे को रिलीफ मिलेगा। अगर एल्कली बेस की वजह से जलन मच रही है या कुछ चीज हाथ वगैरह जल गया है, तो पहले उसे क्या है बहुत सारे पानी से धुला जाए, फिर उसके बाद क्या है 1% एसिटिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड अप्लाई करने के बाद उस पर ग्लिसरीन लगा दिया जाए, और उस पोर्शन को क्या है बैंडेज लगा दी जाए। तो इससे क्या होगा,
होगा कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उस जो भी बेस गिरा है उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो वहां पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, तो जलन उतनी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है कि अगर फॉस्फोरस की वजह से कोई चीज जल गई है, तो उस केस में भी सबसे सबसे पहले क्या है कि बहुत ज्यादा पानी से अच्छे से धुला जाए उसे, फिर कॉटन स्वैब की मदद से डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाए, फिर उसके बाद बैंडेज लगा दी जाए। फिर अगर सोडियम और पोटेशियम से कोई चीज जल जाती है, तो बहुत ध्यान रखा जाए कि कभी भी उसे पानी से ना धुला जाए, क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं पानी में, तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए इसे वॉश किया जाता है कैरोसिन ऑयल से, इसे स्टोर भी कैरोसिन ऑयल में ही किया जाता है। तो अगर सोडियम या पोटेशियम की वजह से जलाए कुछ, तो वहां पे क्या है कि कैरोसिन ऑयल से उसे धुला जाए, फिर कॉटन स्वैब से उसे साफ करके वहां पे ग्लिसरीन लगाई जाए। अगर स्टोव, हीटर, बर्नर या बॉइलिंग वाटर से जलाए हाथ, तो क्या है कोल्ड वाटर बहुत सारा फेंका जाए उस पर, ताकि ठंडक को जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो ना हो। फिर उसके बाद कॉमन सॉल्ट अप्लाई करके ग्लिसरीन लगा ली जाए। तो इन सारी चीजों से क्या है कि उस इंसान को जिसको जलाए, तो उसको थोड़ा रिलीफ महसूस होगा, लेकिन अगर इन केस बर्न्स बहुत ज्यादा हैं, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन केस ऑफ कट्स, कि अगर कभी कट वगैरह लग जाए, जैसे कि टेस्ट ट्यूब टूट जाए, तो हाथ में कट वगैरह लग जाए, तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जब भी कट लगता है, तो वहां पे डिटॉल अप्लाई करना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट अप्लाई करना चाहिए, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। फिर उसके बाद टिंक्चर आयोडीन अप्लाई करना चाहिए उस जगह पे। टिंक्चर आयोडीन क्या होता है? वीक आयोडीन होता है, जिसमें 2 to 7% ऑफ आयोडीन होता है, तो उससे उस इंसान को काफी रिलीफ मिलता है और जो ब्लड ज्यादा नहीं जाता है। लेकिन अगर इन केस क्या होता है कि बहुत ज्यादा कट लग जाए, तो डॉक्टर्स के पास तो जाना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इन केस ऑफ पॉइजनिंग। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, लैब में कुछ हार्मफुल गैसेस भी होती हैं, कुछ बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं, तो अगर गलती से कभी कभार क्या है कि पॉइजनिंग वगैरह हो जाए, तो उस केस में क्या करना चाहिए? अगर कभी कभार गलती से एसिड और एल्कली, आपने देखा होगा कि स्टेलगोमीटर से सक करके हम एसिड्स वगैरह अगर कहीं डालते हैं, या फिर टेस्ट ट्यूब वगैरह में एसिड वगैरह डालते हैं सक करके, तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, पिपेट वगैरह से सक करके, तो कभी कभी गलती से क्या है कि वो हमारे अंदर चला जाता है जब हम सक करते हैं। तो उस केस में क्या है, पहले तो क्या है कि वो मतलब पानी पी के उसको कुरला कर लेना चाहिए, ताकि वो एसिड वगैरह जो भी बेस गया है वो बाहर निकल जाए। लेकिन अगर इन केस क्या होता है कि वो आप कंज्यूम कर चुके हैं, तो उस बहुत सारा पानी पी लेना चाहिए, और फिर उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर लाइम वाटर देना चाहिए, ताकि उस इफेक्ट को, उस एसिड या बेस के इफेक्ट को वो क्या है न्यूट्रलाइज कर दे। तो अगर नॉन करोजिव पॉइजनिंग हुई है, तो जो उतना नुकसान भी नहीं करती, लेकिन फिर भी बॉडी को थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही ना, तो उस टाइम पे क्या है वॉमिटिंग करवा देनी चाहिए उस बंदे को। वो कैसे हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा घरों में भी जब हमें वॉमिट करने होते हैं, तो क्या करते हैं नमक का पानी पीते हैं, तो बहुत सारा नमक का पानी पिला के वॉमिटिंग करवा देनी चाहिए। फिर उसके बाद राइस वाटर देना चाहिए, फिर उसके बाद पेशेंट को क्या है थोड़ी रेस्ट करने देनी चाहिए। और नेक्स्ट इसमें हम सब पार्ट की बात करते हैं, इनहेलिंग ऑफ पॉइजनस गैस। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी रिएक्शन करते हैं, तो कभी कभी फ्यूम्स निकलती हैं बहुत ज्यादा, तो कुछ फ्यूम्स क्या होती हैं बहुत ज्यादा पॉइजनस होती हैं, तो उनसे बच के रहना चाहिए। तो अगर आपने वो कंज्यूम कर लिए, तो आपको ना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल, बहुत अनईजी फील होने लगता है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उस इंसान को क्या है बाहर लेके जाना चाहिए ओपन प्लेस पे, जहां पे उसे फ्रेश एयर मिल सके। और अगर उसने कुछ बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ पहने हैं, जैसे टाई वगैरह लगाई है, तो उसे लूज कर देना चाहिए, ताकि बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो सके। फिर उसके बाद पेशेंट को क्या है अमोनिया देना चाहिए स्मेल करने के लिए, और उसके बाद हॉट कप ऑफ कॉफी, मतलब उससे क्या है उसे रिलीफ मिलेगा, उसे रिलैक्सिंग फील होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन केस ऑफ आई इंजरी, कि अगर गलती से आंख में कुछ, जैसे कुछ स्प्लैश हुआ और गलती से आंख में चला गया कुछ, या फिर कुछ ऐसा हो एसिड चला जाए, बेस चला जाए, तो उस केस में क्या करना चाहिए? अगर एसिड हो, तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट से आंख को धुलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि थोड़ा रिलीफ मिलेगा उस इंसान को। और अगर बेस चला जाए, उसकी वजह से कुछ इंजरी हो जाए, तो 1% सोल्यूशन पहले तो पानी से धुला जाए, फिर उसके बाद 1% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड से उसे धुला जाए। और अगर इनकेस कोई फॉरन पार्टिकल चला जाता है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, जो पहले तो क्या है कि बहुत जेंटली आंखों को खोलना चाहिए, फिर उसके बाद जो सॉफ्ट हेयर पेंट ब्रश होता है ना, उस पर ग्लिसरीन अप्लाई करके आंखों पर लगानी चाहिए, ताकि वो थोड़ा साफ हो सके। नेक्स्ट आता है कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग जाए, तो उस केस में क्या है, सबसे पहले तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर देना चाहिए, और पेशेंट को ओपन प्लेस पे ले जाना चाहिए, और कंप्लीट रेस्ट देनी चाहिए उसे। फिर उसके बाद हॉट टी और कॉफी देने से उसे क्या है रिलैक्स्ड फील होगा।
और अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे इन केस ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ एसिड और एल्कली ऑन क्लोथ्स, कि अगर कपड़ों के ऊपर एसिड या बेस गिर जाता है तो उस केस में क्या करना चाहिए, तो उस केस में क्या है, सबसे पहले तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से, अगर एसिड से होता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से उसे वॉश करना चाहिए, और अगर एल्कली से होता है तो उसे एसिटिक एसिड के सोल्यूशन से वॉश करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि लाइक देखिए ना, एसिड पे अगर हम एल्कली को फेंकेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा उसके इफेक्ट को, तो वही सारी चीजें हो रही हैं ज्यादातर जगहों पे। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ फायर एक्सीडेंट, कि अगर आग वगैरह लग जाती है तो उस केस में क्या करना चाहिए, तो अगर किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसके क्या है कि बॉडी को पूरी तरह से ब्लैंकेट में रैप कर देना चाहिए, कभी भी उसके ऊपर पानी नहीं फेंकना चाहिए, या फिर उस इंसान को हमें क्या बोलना चाहिए कि जमीन पे खुद को रोल करे, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर का कॉन्टेक्ट टूट जाएगा और वो आग बुझ जाएगी। और अगर वुडन फर्नीचर वगैरह में कभी आग लगी हो तो पानी स्प्रे कर देना चाहिए, उससे ठीक हो जाएगा। और अगर कभी ऑफिस पेपर्स वगैरह में आग लग जाए, जैसे लैब के जो रजिस्टर्स वगैरह है उनमें आग लग जाए, तो वहां पे CO2 गैस का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि वहां पे वाटर का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन अगर हम पानी डाल देंगे तो जितना थोड़ा बहुत जो हमारा रिकॉर्ड बचा होगा वो भी खराब हो जाएगा, तो इसलिए वहां पे गए CO2 गैस का, फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज किया जाता है। और अगर आग सोडियम या पोटेशियम की वजह से लगी हो तो वहां पे सैंड का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो तो सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ कर दिया जाता है। तो ये तो थे कुछ कॉमन एक्सीडेंट्स जो होते हैं और किस तरीके से हमें इन्हें रोका जा सकता है, या अगर ये एक्सीडेंट हो जाते हैं तो फिर क्या हम फर्स्ट एड दे सकते हैं, वो डिस्कस किया। इसमें आप और भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है। तो लास्ट में हम इसे कंक्लूड करेंगे। अब देखिए, साइंस में क्या है कि लेबोरेटरी वर्क क्या है, एक इसेंशियल कॉम्पोनेंट है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल क्या है साइंस का, लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे काम करके सीखे। हम बच्चों को फैक्ट्स और थ्योरीज पर रट्टा तो बजवा सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बिना उन्हें साइंस की असली अहमियत पता नहीं चलेगी, उन्हें बेसिक एसेंस नहीं मिलेगा साइंस की। ताकि उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनमें एक साइंस स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उन्हें अपरेटस को हैंडल करना भी आना चाहिए। और इस सारे काम को सीखने के लिए बच्चे क्या है, टोटली डिपेंड होते हैं लैब वर्क पे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर स्कूल, हर कॉलेज में जहाँ पे साइंस पढ़ाई जा रही हो, वहाँ पे वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी हो, जहाँ पे सारा मटेरियल अवेलेबल हो, और अच्छे से उन्हें रखा जाए और बच्चों को अच्छे से उनका यूज़ करना सिखाया जाए। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि लेबोरेटरी होती क्या है, क्या ज़रूरत है लैब की, कुछ सजेशंस जो प्लानिंग के लिए अलग अलग लोगों ने दिए हैं वो बात की हमने। फिर उसके बाद हमने डिज़ाइन की बात की जो डॉक्टर व्हाइट हाउस द्वारा दिया गया था, लेक्चर कम लेबोरेटरी रूम का। फिर उसके बाद हमने बात की कि फिजिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब अगर हम अलग से बनाते हैं तो उसका कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, जो कि ऑप्शनल है। फिर उसके बाद हमने बात करी कि मेंटेनेंस कैसी होनी चाहिए, कैसे मतलब अलग अलग रजिस्टर्स उसमें यूज़ किए जाते हैं क्या, और कुछ हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी उसमें डिस्कस किए। फिर उसके बाद क्या क्या कॉमन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं लैब में, कैसे उन्हें रोका जा सकता है, और क्या फर्स्ट एड देना चाहिए किसी भी एक्सीडेंट के केस में, वो हमने डिस्कस किया। और लास्ट में हमने एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दी, और यहाँ पे ये क्या है कि पूरा टॉपिक जो है उस कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में हम सम अप कर देंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, और फिर भी कहीं पर भी कुछ डाउट है या आपको लगता है कि कुछ और भी ऐड होना चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियोस लाने का। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।